बात क्या है दादा भाई? अच्छा ठीक है, अब गहरी सांस लीजिए। हमने कहा आप एक गहरी सांस लीजिए, अब बताइए बात क्या है। छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजबद भाभी के प्राण लेना चाहती है। लगता है आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अरे भला छोटी माँ अजबद के प्राण क्यों लेगी? साक्ष्य है हमारे पास, वो साक्ष्य है। मान कवर, लगता है आप गुप्तचरी की रोमांचक कथाएं बहुत पढ़ने लगी, उन्हीं का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है आप पर। सच कह रहे, विश्वास क्या कर? विश्वास कर ले मान, बताइए हमें। आपकी बेसिर पैर की बातों को सुनकर अपनी छोटी माँ पर अविश्वास कर ले। दादा भाई, जिन्हें हमने मन से माँ माना है, आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारे मान लें, जो हमें और अजबद से बहुत स्नेह करती है। छोटी माँ कहाँ मारना चाहती है अजबद भाभी जी को, उन्हें विवश किया जा रहा है, उन्हें केवल साधन मात्र बनाया जा रहा है इस षड्यंत्र के लिए। वास्तविकता में इस योजना के पीछे तो बताइए कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, बताइए मान कवर। हमने कहा बताइए। क्या? हाँ दादा भाई, वही है इस सब के पीछे, वही हर प्रकार से आपका अहित चाहती है, वही चाहती है छोटी माँ अजबद भाभी जी के प्राण ले लें। और इससे पहले कि आप फिर से हमें मूर्ख और पागल कहें, बस एक बार विस्तार से हमारी बात सुन ले, उसके पश्चात आपको भी विश्वास हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है शत प्रतिशत। अब कहते चाहिए, हम सुन रहे हैं। जयवंत अबाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप, यदि दूसरा करेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? अजब दे को मार के अपने आप को बचा लीजिए। वीरबाई जी, क्षमा चाहते हैं आपसे, वो हमने कार्यक्रम महल के मुख्य कक्ष में करने का निर्णय लिया है। वो क्या है ना कि रावत जी इतने सारे उपहार और भेंट ले आए हैं कि अब उनके लिए ये कक्ष थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो ये सारा सामान वहां लेकर जाना है, हमारा मतलब है कि कितना समय लग जाएगा इसमें? वीर भाई जी, सामान की चिंता आप क्यों कर रही हैं? दासियां है ना, ये सारा सामान वहां रख देंगी। आप चलिए। जी चलिए। अरे वीर भाई जी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, थाल दासी को दे दीजिए, वो ले आएगी। चलिए। जी नहीं, ये थाल हम स्वयं लेके जाएंगे। इसमें हमारी भिंडी के लिए विशेष लड्डू है ना, हम भला दासियों के हाथ कैसे दे सकते हैं? चलिए। ठीक है, चलिए। अब आप ही बताइए दादा भाई, आप अभी भी हमारी बात पर संदेह करेंगे? रानी माँ ने पूरे ध्यान से गौरे के संस्कार के दौरान अजबद भाभी जी के प्राण लेने की विस्तृत योजना बनाई है, घृणा करती है वो आप। बस मान, बस मान, बस। बस बस खबर बस बस। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी और जो हमें आज तक याद है। दादा भाई, हम यहाँ आपको रानी माँ का षड्यंत्र बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अजबद भाभी जी के प्राण लेने की योजना बनाई है, आप हमें कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, गांव में एक युवक था, सदमार्ग से भटक गया था, बुरी संगत में प्रतिदिन मद्यपान करता और जुआ खेलता। जुए और मद्यपान की बुरी लत में पहले उस युवक ने अपनी माँ की मेहनत की एक एक पाई और फिर अपने घर की हर एक वस्तु लुटा दी। बेटा बेटा, तू पहले ही सारे पैसे उड़ा चुका है, अब कम से कम घर के बर्तनों को तो मत बेच।
छोड़ दे, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बूढ़ी माँ अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाती रही और उस बेटे पर तो मद्यपान और जुए का भूत सवार था। उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी, अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ रोकती रही, बेटा चिल्लाता रहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, नहीं बेटा, नहीं, हट, नहीं। और अंत में उसने कुल्हाड़ी उठा के अपनी माँ को मार मार कर उनके प्राण ले लिए। और फिर उस दुष्ट बेटे ने अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े किए उसी कुल्हाड़ी से, फिर उसे टोकरी में डाल सर पे रख लोगों से अपनी माँ की हत्या को छिपाने के लिए वो जंगल में चल पड़ा। बहुत घबरा कर वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक माँ के पत्थर से उसे ठोकर लगी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, बेटा संभल के, बेटा संभल के, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये होती है माँ, जो अपने दुष्ट बेटे के हाथों कटने के बाद भी जब बेटे को साधारण ठोकर लगते है ना तो स्नेह और चिंता से सिहर उठती है, वो होती है माँ। हम ये कैसे सोच लें कि रानी माँ हमारे और हमारी पत्नी के बारे में अहित सोचती है? हम ये क्यों ना सोच लें कि ये सब जो आप कह रहे हैं ये सब बुरी बातें आपकी, एक दिवा स्वप्न कल्पना भरी है। हम ये क्यों नहीं सोच सकते, बताइए उत्तर है आपके पास? दादा भाई, आप अत्यंत भले और अच्छे इंसान हैं, इसलिए जीवन में भी केवल भली कथाओं के मूल्यों को देखते हैं। दादा भाई आप नहीं समझेंगे, छोटी माँ ये थाल हमें दे दीजिए ना, काफी भारी है, आपको समस्या हो रही होगी ना, हमें दे दीजिए। नहीं मान, हमें हमें कोई समस्या नहीं हो रही। छोटी माँ मान रहने दीजिए ना, वीर भाई जी अपनी बीनी के हर कार्य अपने हाथों से करना चाहती, लगता है अजबद को अपने घर ले जाने की बहुत उमंग है इनके मन में, फिर हम इन्हें क्यों छेड़, ठीक है ना? उमंग तो सच में बहुत है हमारे मन में अजबद को लाने की। उमंग सिर्फ आप ही को है क्या छोटी माँ? हम आपकी मदद कर, हम ये थाल नहीं देंगे, आप अपनी भाभी जी को समारोह कक्ष में लेके जाइए, तब तक गौने का मुहूर्त भी हो जाएगा। हाँ चलिए भाभी जी। दादा भाई की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, हम जाकर भाभी जी से कहते थे कि चाहे जो भी हो उन्हें ये लड्डू नहीं खाना। कैसे लग रहे हैं हम? एक कमी रह गई है। अच्छा बताइए बताइए, कुछ पहने कुछ निकाले। काजल टीका, अब हमारी सुंदर सुंदर भाभी को किसी की नजर नहीं लगेगी। चांद आप तुरंत बाहर जाइए। क्यों, हम क्यों बाहर जाएं? भाभी जी को गौने के लिए तो हम ही लेकर जाएंगे ना मुख्य कक्ष तक। चांद हमें भाभी जी से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे भाभी जी को छोड़ के। चांद कभी तो हमारी बात मान लिया कीजिए। चांद आप बाहर जाकर हमारी चुनरी से मेल खाते पुष्प ले आएंगी, अच्छे लगेंगे ना हमारे वस्त्र के साथ। हाँ हाँ हम अभी जाते हैं। क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण बात है भाभी जी, हमने दादा भाई से भी कहा किंतु वे हमारी बात माने नहीं और आगे अपनी पत्नी के कक्ष में उनसे बात करने। दादा भाई कहने दीजिए ना, हमें जो कहना है हम कहेंगे। आपकी अनुमति हो तो हम कुछ देर इनसे बात कर सकते हैं एकांत में। क्या
क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे एकांत में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही। कैसे लग रहे हैं आप? हमसे पूछ रही हैं? हमें क्या पता सौंदर्य के बारे में, ये आप ही ने कहा था हमसे। ना, हमने तो ऐसा नहीं कहा। अर्थात आप हमारी स्मृति पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, या फिर हमारे सत्य बोलने पे? नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि आपके लिए आंतरिक सौंदर्य ही असली सौंदर्य है। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, बाहरी सौंदर्य के बारे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। अब हमें भी तैयार होना है, चलते हैं। और हम जो आपके लिए तैयार हुए हैं वो? देखिए, कभी कभी बाहर की सुंदरता की भी प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे आप ठीक लग रही हैं। परंतु आपने हमें आग भरकर देखा भी नहीं। मैं हूँ सागर, तुम हो किनारा, अजर अमर है प्रेम हमारा। हो मान तुम्हारा मैं ना तोड़ू, पाऊँ तुम्हें तो जग मैं छोड़ू। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। कहते हैं जो बहुत सुंदर हो और हम उन्हें जी भर के देखें तो उन्हें नजर लग जाती है, इसलिए आपको नहीं देख रहे। हमने हमेशा यही प्रार्थना की है कि आपकी नजर सदा हम पर बनी रहे। अब जाइए, शीघ्र तैयार होकर हमें अपने घर ले चलिए। अवश्य, चलते हैं। ये सपना तो नहीं था। एकांत चाहिए, हम सब समझते हैं दादा भाई, हमें वहां से निकालने के लिए आपको एकांत चाहिए था दादा। मान अभी को शब्द नहीं उस काल्पनिक विषय पर, हमें तैयार होना है दादा भाई। हम जानते बूझते आपको इतना बड़ा संकट मोल लेने नहीं दे। देखिए मान कवर, हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर एक क्षण के लिए बात मान लेने की सच है, जो कि नहीं है, फिर भी यदि रानी माँ या छोटी माँ हमारे हमारे पत्नी के प्राण लेना चाहती है तो ले ले। हाँ, माँ के लिए अगर हमें प्राण देने पड़े तो संतान को लज्जा किस बात की? अगर उनकी यही इच्छा है, यही अभिलाषा है तो ठीक है, हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर देंगे दादा भाई। बस अब एक और शब्द नहीं, बस। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक कार्य कीजिए, रावत जी से जाकर कहिए कि गौने से पहले वे हमें हमारी छुरी दे दें। जाइए मान। दादा भाई, हम इस समय नहीं जा सकते, गौने का संस्कार आरंभ होने वाला है। आरंभ होने से पहले आप वापस लौट आएंगे क्या? आप हमारा ये कहा नहीं मानेंगे, आपके दादा भाई का। मान कवर, चाहते हैं कि इस विषय पर आप किसी से कुछ ना कहें, ठीक? स्वस्ति न इंदो विदसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताचर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जंबु फलचार भक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम्। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्।
विशेष प्रसाद की मिठाई का थाल भी यहाँ रखवा दीजिए। मान जीजा कहाँ है? बस अभी आ रही है। हमने मान को रावत जी के पास किसी कार्य के लिए भेजा है। आप भी ना, यहाँ पर संस्कार आरंभ हो रहे हैं और आपने मान को काम से भेज दिया। अरे आप चिंता क्यों करती हैं भाभी जी, हम अभी भागकर उन्हें लेकर आते हैं। सुनिए, लौटते समय मार्ग से तुलसी के पत्ते तोड़ के लेते आइए। जी। क्या ये आपकी ओर से हमारे लिए पहली डांट थी? नहीं नहीं, क्या आप भी? रावत जी कहाँ मिलेंगे? वो तो शस्त्र अभ्यास प्रांगण में है, आगे से आएं। वाह पत्ता, आपने तो काया ही पलट कर रख दी है बिजोलिया की सेना की। इसका श्रेय तो कुंवर प्रताप को जाता है रावत जी। रावत जी, हम घने दादा भाई ने कहा है गौने के संस्कार के लिए उन्हें आपसे छुरी चाहिए। किंतु वो छुरी तो हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं। इसका अर्थ हुआ दादा भाई ने वहाँ से भी हटाने के लिए हमें यहाँ भेजा है जानबूझकर। जीजा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ गाने की रस्म आरंभ हो गई है। रस्म शुरू हो गई? चलो। मान जीजा रुकिए, हमें तुलसी के पत्ते लेते हुए जाना है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। अरे पर दो पल ही तो लगेंगे, अगर हम वहाँ इस समय नहीं पहुँचे तो अनर्थ हो जाएगा। ये मान जीजा भी ना, चलो हम मिले आते हैं। अब वर और वधू एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। वीर भाई जी, लीजिए आपका वो विशेष लड्डू खिलाने का क्षण आ गया। इतना सोच क्या रही है वीर भाई जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये स्वयं कुंवर प्रताप ये विषाक्त मिठाई अजबद को खिला रहे हैं। कुंवर प्रताप को ये लड्डू दीजिए।